दोस्तों, इस बार आपने किस नेता को अपनी पसंद के तौर पर वोट दिया? किस राजनेता का सम्मान आप सबसे ज्यादा करते हैं और क्यों? ये हम आपसे कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आज का हमारा वीडियो राजनेताओं की बेशुमार दौलत को लेकर है, जिसे सुनकर आप भी कहोगे वाह रे नेता, राजनेता। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। प्रिंस वलीद बिन ताला, कमाई में 20 मिलियन डॉलर का आंकड़ा छूने वाले प्रिंस अल वलीद सऊदी के एक राजनेता होने के साथ साथ दिग्गज बिजनेसमैन भी है। आपको बता दें, अल वलीद किंगडम होल्डिंग कंपनी के मालिक है। इस कंपनी ने दुनिया भर में ऊंची और कई आलीशान बिल्डिंग्स बनाई है। अल वलीद के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है, अमीरी में बहुत ऊंचे पहुंचने पर भी अल वलीद बहुत ही दरिया दिल है। ये अल वलीद ही थे जिन्होंने 2004 में भूकंप और सुनामी के दौरान भारत को बतौर मदद के लिए 1 अरब 17 करोड़ रुपए दे दिए थे। अल वलीद अपने पास 300 लग्जरी कार्स रखते हैं। उनकी एक कार तो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है, क्योंकि उनकी एक मर्सिडीज कार में बेशुमार हीरे लगे हुए हैं। इनके पास 2 हवाई जहाज है, जिनमें से एक सोने का बना हुआ है। जी हाँ, सोने का। अल वलीद की रिहाइश की बात करें तो इस राजनेता के पास 3 महल हैं। किंग रिजॉर्ट नामक महल में तो सोने के नल लगे हुए हैं और इसमें एक आकर्षक झील भी है। अल वलीद बस यहीं जाकर नहीं रुक गए, अब इनका इरादा सऊदी में जद्दा टावर यानी किंगडम टावर बनाने की है, जो इसी साल बनकर तैयार हो जाएगा। ये बुर्ज खलीफा से कहीं ज्यादा ऊंचा होगा, क्योंकि ये किंगडम टावर 1 किलोमीटर ऊंचा बनाया जाएगा। हो गए ना हैरान, यही तो है ऊंचे लोग, ऊंची पसंद। शेख मंसूर बिन जायद नहयान, ये शेख 30 बिलियन डॉलर का मालिक है। इन्हें मोहब्बत से शेख मंसूर पुकारा जाता है। ये अबू धाबी के रॉयल परिवार से है। आपको पता होना चाहिए कि शेख मंसूर यूनाइटेड अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री भी हैं। खास बात यह है कि इनके खानदानी दौलत लगभग 1 ट्रिलियन है, यानी कि शाही खजाना। शेख मंसूर को फुटबॉल का खेल बड़ा पसंद है, और आप उनके फुटबॉल प्रेम को इस तरह से समझ सकते हैं कि उन्होंने 2009 में 265 मिलियन डॉलर की रकम देकर सिटी फुटबॉल ग्रुप ही खरीद डाला, और 527 मिलियन डॉलर का टोपाज नाम का लग्जरी जहाज भी इनकी शान में और 4 चांद लगाता है। अपने पास 5 प्राइवेट जहाज रखने वाले शेख मंसूर के पास बेहतरीन कार्स का कलेक्शन है ना, छोटी सी उम्र में गजब की रही सी। महा वंजे लोंगकोर ने, इनकी कमाई का आंकड़ा 30 बिलियन डॉलर है। ये 2016 से थाईलैंड के राजा घोषित है। ये अपने माँ बाप के इकलौती संतान है। 1972 में जब वो सिर्फ 20 साल के थे, तो उनके पिता ने अपने हाथों से उनकी ताजपोशी की थी। इनके पास रॉयल्स रोल जैसी कार्स है, तो शाही महल भी इनकी शान का एक हिस्सा है। इनके पास भी खुद का जहाज है। इनकी पोशाक भी किसी बादशाह से कम नहीं है। महा दुनिया के 3रे नंबर के सबसे बड़े राजा है माइक ब्लूमबर्ग। इस राजनेता की कमाई का आंकड़ा 60 बिलियन डॉलर है। माइक अमेरिका के बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक उदारवादी नेता लेखक भी है, जबकि आम लोगों में इनकी इमेज एक परोपकार इंसान की रही है। ये दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं। आपको बता दें कि 8.2 बिलियन डॉलर जॉन्स हॉकिंग्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को डोनेट कर दिए थे। माइक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी को समान रूप से अपना पूरा सहयोग देते हैं। अमेरिका आकाश छूने वाले इस शख्स ने हमेशा सादी जिंदगी जी और स्टूडेंट के बीच शिक्षा जगत के मसीहा के तौर पर जाने जाते रहे। ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों, जेब की अमीरी हमारी फितरत पे हावी नहीं होती। माइक इसकी एक छोटी सी मिसाल है। व्लादिमीर पुतिन, इस राजनेता की कमाई का आंकड़ा है लगभग 70 बिलियन डॉलर्स। इनके पास अपार दौलत, शोहरत, लग्जरी लाइफ है, जो इनके कद को और कद्दावर बना देती है। इसलिए पुतिन एक ताकतवर और कद्दावर नेता कहलाते हैं। मजे की बात तो ये है कि करोड़ों की कीमती घड़ियां पहनने वाले पुतिन को लोग कुबेर का अवतार भी कहते हैं। पुतिन एक ऐसे राजनेता हैं जिनके पास 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। वो लिमोजीन जैसी गाड़ियों का शौक भी रखते हैं। आपको बता दें, इनके पास एक महल भी है जिसका नाम पुतिन महल है। इस महल की कीमत 100 करोड़ रुपया की गई है। अब आते हैं हम अपने भारतीय राजनेता की तरफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये युवा राजनेता ग्वालियर के मशहूर राजघराने से हैं। इनके पास भी एक आलीशान महल है, जिसमें 400 से ज्यादा कमरे हैं, और तो और इसकी छत पर सोने की नक्काशी है। इस महल की कीमत लगभग 1400 करोड़ रुपए है, और आपको सुनकर हैरानी होगी कि जिस आवाज में आप इसे सुन रहे हैं, वो आवाज यानी मैंने इस महल को देखा हुआ है अपनी आंखों से। हुई ना हैरानी,
मुझे भी हुई थी जब मैंने देखा था आज से 7 साल पहले इसे। इस सिंधिया राजघराने के पास ग्वालियर में जयविलास पैलेस, दिल्ली में सिंधिया विला, ग्वालियर हाउस और शिवपुरी में माधव पैलेस, इसके अलावा भी उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। आपको बता दें, सिंधिया राजघराने के नेता भारत के सबसे अमीर राजनेता हैं। राजनेताओं की रही सी आपको कैसी लगी? अगर आपके पास इतनी दौलत आ जाए तो आप क्या करेंगे? कौन सा राजनेता आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।